हेलो स्टूडेंट टुडे टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पेयर मीन जोड़ा लीनियर इक्वेशन हमें लीनियर पोलोमियल रेड किया था लिनियर पोलोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पोलोमियल जिसकी डिग्री वन हो तो लीनियर इक्वेशन भी ऐसे ही है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पार डिग्री एक हो पोलोनोमियल पोलोनोमियल और इक्वेशन में एक डिफरेंट है पोलोनोमियल सिंपल एक्सप्रेशन होता है जो इक्वेशन होते हैं वो एक जीरो के इक् रखते हैं इन टू दो वेरिएबल्स वेरिएबल्स मेन जिसकी फिक्स्ड वैल्यू ना हो जैसे अल्फाबीटा एक्स वाई जेड जो वन टू थ्री फोर फाइव है नंबर हमारे वो होते हैं कॉन्सटेंट अब लिनियर इक्वेशन इन वन वेरेबल जो लिनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल में हो इफ़ ए एंड बी बी टू रियल नंबर ए और बी दो रियल नंबर हैं सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो जो ए हो जीरो इक्वल ना हो एंड एक्स इज ए वेरिएबल और एक्स एक वेरिएबल है देन द इक्वेसन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज तो ए एक्स प्लस बी इज ऐसी फॉर्म इज सेट टू बी ए लिनर इक्वेसन इन वेरिएबल तो जो ऐसी फॉर्म होती है इसको हम लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पावर एक है और वेरिएबल भी एक है तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल फॉर एग्जांपल जैसे टू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो तो वन वेरिएबल में है लिनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर एक है थ्री वाई प्लस नाइन इजिकल टू जीरो आके है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो लीनियर इक्वेशन है वो दो वेरिएबल्स में हो यहाँ एक में थी अब दो में है इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स सच दैट ए डज इक्वल टू जीरो जो ए है वो जीरो ना हो बी डज इक्वल टू जीरो जो बी बी है वो भी जीरो ना हो एंड एक्स वाई आर वेरिएबल्स दैन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस टू जीरो इज सेट टू बी एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो ऐसी फॉर्म होती है पोलोनोमल की तो उसको बोलते हैं लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स देखो यहाँ दो वेरिएबल एक्स और वाई ए बी सी ए नंबर है फॉर एग्जाम्पल जैसे टू एक्स प्लस थ्री वाईजिकल टू फाइव दो वेरिएबल्स में है एक्स और वाई में है डिग्री वन है तो इसलिए ये क्या हुआ लिनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अब पेयर मेन जोड़े ऑफ़ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स में द जर्नल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जर्नल फॉर्म क्या होती है आपकी जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसलिए हमें पेयर चाहिए इसलिए हम अलग अलग नाम हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू टू जीरो पेयर फॉर एग्जाम्पल जैसे टू एक्स प्लस टू वेरिएबल्स में लिनियर इक्वेशन की आगे है सल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेबल टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसका सोल्यूशन क्या है एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन इन टू गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू टू वेरिएबल्स इज सेट बी इट्स सोल्यूशन क्या है कि ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन इन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती है तो वो उसका सोल्यूशन है जैसे आपके पास कोई फॉर एग्जांपल कोई दो इक्वेशन एक्स प्लस वाई जिकल टू थ्री है फर्स्ट इक्वेशन थ्री एक्स माइनस वाई जिकल टू वन ये आपकी सेकंड इक्वेशन अब पुटिंग करते हैं एक्स वन एंड वाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में पुट करते हैं एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू टू तो वी हैव एक्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इसमें एक्स वन पुट किया y टू पुट किया तो कितना हुआ ये थ्री और जो राइट हैंड साइड है वो भी कितनी है थ्री है तो लेफ्ट हैंड साइड भी थ्री आई है राइट हैंड साइड भी थ्री आई है तो ये क्या हुआ इक्वल हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुटिंग एस ही एक्स इजिकल टू वन एंड वाई इजल टू टू इन सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं थ्री एक्स माइनस वाई है एक्स की वैल्यू वन है वाई की वैल्यू टू है तो थ्री माइनस टू वन सेकेंड इक्वेशन जो राइट हैंड साइड के इक्वल कौन है वन है तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वन इक्वल दस एक्स वन बाई टू सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन सो एक्स वन बाई टू इज ए सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन जो एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू टू है इसको सेटिस्फाई करते क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है वैल्यू पुट करने के बाद तो जब ये इसको सेटिस्फाई करती है तो जो जो भी सेटिस्फाई करेगी वही उसका सलूशन है ठीक है हमें नाइन्थ में भी क्वेश्चन किए थे ऐसे आगे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफ कि ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तो वी नो दैट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन तो हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स में या वन वेरिएबल्स में वो क्या होते हैं भाई स्ट्रेट लाइन होते हैं हमें नाइन्थ क्वेश्चन में भी किया था और ग्राफ बना के भी दिखाया था हमें तो सो so, ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेसन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन दस व्हेन वी कंसीडर ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेसन इन टू वेरिएबल्स इन प्लेन अगर हम कोई भी लिनियर इक्वेसन टू वेरिएबल्स में एक प्लेन में ड्रा करते हैं तो उसके देर कैन बी फ्लोइंग थ्री पॉसिबलिटी उसकी तीन पॉसिबलिटी है कौन कौन सी है चलो देखते हैं जैसे फर्स्ट है द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एस वन फिगर अगर कोई भी दो इक्वेशन आपके पास पेयर ऑफ लिनर इक्वेशन और उन दोनों का ग्राफ ड्रा करोगे तो एक आपका हो सकता है कि वो जो दोनों लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें जब उसका ग्राफ बनाओगे सेकेंड है द टू लाइन्स आर कॉन्सीडेंट कॉन्डेंट और लैफ इच अदर एज इन फिगर अगर ये भी हो सकता है कि जब आप उनका ग्राफ बनाओ पेयर ऑफ लिन इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है और जो दूसरी का ग्राफ बनाओगे वो उसके ऊपर बनेगा और होएगा। ये भी हो सकता है आपका कि एक का ग्राफ एक लाइन का ग्राफ आएगा और जो दूसरी का उसी के ऊपर सेम पॉइंट पे ग्राफ मेन लाइन बने ये भी हो सकता है आगे है थ्री द टू लाइंस आर पैरल एज ऑन इन फिगर टू लाइंस आर पैरल ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे जो पैरल लाइन जो दो लाइन है, पे इक्वेशन है उनका ग्राफ बनाओगे तो वो दोनों इक्वल सेम डिस्टेंस में ड्रा हो कहीं तक जाते हो सेम डिस्टेंस ही रहेगी तो जो आपके लिनियर इक्वेशन है ग्राफ में तो तीन कंडीशन आई है कौन कौन सी कंडीशन थी वो कि ग्राफ बनाओगे जब एक तो आप इंटरसेक्ट हो सकते है दोनों लाइन एक कौनसीडेंट हो सकती है और एक पैरल हो सकती है याद रखना बेटा ये कि इंटरसेक्ट कॉन्सीडेंट और पैरल लाइन ये तीन ग्राफ हो सकते हैं तीन पॉसिबिलिटी है ग्राफ के व्यू से इंटरसेक्ट अवरलैप मीन कौन सी डेंट और पैरल तो आपको ये लर्न करना है थैंक्स